बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट बराह-ए-रास्त समाअत करेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब, बताएगा अहम केस की समाअत आज फिर होगी, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस है जिसके ऊपर आज समाअत का आगाज़ 11:30 बजे होगा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा, जिसको बराह रास्त नशर भी किया जाएगा। अगर गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के हवाले से बात की जाए तो कल 4 दरख्वास्त गुजारान के वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए थे और जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम की जो वकला थे उनकी जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के हक में जो दरख्वास्तें थीं ये उनकी जानिब से जो हक में दलाइल दिए गए थे उनको अडॉप्ट कर लिया गया है। आज ये है, दीगर जो वकला हैं उनकी वकला के दरख्वास्त गुजारान हैं उनके वकला की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल, अटॉर्नी जनरल और दीगर जो वकला हैं वो आज इसके ऊपर जो ये एक्ट है उसके हक के अंदर ये आज दलाइल देंगे, जिसके बाद आज फैसला मुतवक्के है कि आज फैसला रिजर्व कर लिया जाएगा और मुमकिन है कि शॉर्ट ऑर्डर भी अनाउंस कर दिया जाए। बेसिक अगर इस एक्ट के हवाले से बात की जाए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये पार्लियामान की जानिब से एक मंजूर किया गया था, कानून बनाया गया था, जिसके ऊपर गुज़िश्ता जो सबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल उनकी जानिब से जो है हुक्म इम्तना भी दिया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।